नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में इंटर पास बेटियों को मिलेगा 25,000 रुपए। बिहार पुलिस की तरफ से की गई नई तैयारी, क्यूआर कोड की मदद से होगा एक्शन। भागलपुर में जल्द शुरू होगी हवाई सेवा, जारी हुआ पत्र। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, छठ दशहरा दीपावली में नहीं होगी ट्रेन और टिकटों की समस्या। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को मिला लाखों का पैकेज। शाम तक की बड़ी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर इस पर। गुमशुदा बच्चे को लेकर एक जरूरी सूचना। 14 वर्षीय प्रियांशु कुमार, जो मुजफ्फरपुर जिले का सभा पंचायत सकरा वार्ड नंबर 6 पोस्ट ढोली थाना सकरा का रहने वाला था, वह अपने रिश्तेदार के घर पिपराहा से 25 जुलाई को निकला था। बच्चे का उसके रिश्तेदार ने पिपराहा स्टेशन से मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन में बैठा दिया। बच्चा नरकटियागंज मुजफ्फरपुर मेनू ट्रेन में बैठा था, जिसके समय सारणी ढेर से 2 बजे के आसपास थी। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर में 3 बजे के करीब में पहुंची। बच्चे को मुजफ्फरपुर से अपने घर के नजदीकी स्टेशन ढोली के लिए ट्रेन लेना था। हालांकि बच्चा अभी तक घर नहीं पहुंचा। बच्चे ने ब्लू रंग की जीन्स, पीले रंग की टी शर्ट और जूता पहन रखा है। बच्चे का रंग श्यामला है। बच्चे के पिता का नाम दिनेश शाह है। बच्चे की तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी मिलती है तो आप बच्चे के गार्जियन से 7488747725 और 9144365171 पर या 7488721130 पर संपर्क जरूर करें। बच्चे की सूचना देने वाले को इनाम राशि भी दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में इंटर पास बेटियों को मिलेगा 25,000 रुपए। बिहार में इंटर पास छात्राओं को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। यह प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत दी जाएगी, जिसका उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। साल 2023 में इंटर पास करने वाली अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपए दी जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 268 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वहीं इस साल भी 400 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में पेश किया गया है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा सप्ताह का आयोजन, बच्चे भी लेंगे हिस्सा। सभी सरकारी निजी स्कूलों में शनिवार से शिक्षा सप्ताह का आयोजन होगा। 27 जुलाई से 3 अगस्त तक विभिन्न विषयों पर बच्चों को स्कूली गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है। शिक्षा सप्ताह के पहले दिन यानी 27 जुलाई को सामुदायिक सहभागिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही बच्चों को सामाजिक भावना कल्याण को प्रोत्साहित करना और तिथि भोजन का आयोजन आदि कार्यक्रम किया जाएगा। 29 जुलाई को टीएलएम दिवस और 30 को एफएलएन दिवस और 31 को खेल दिवस, 1 अगस्त को सांस्कृतिक दिवस और 2 को कौशल और 2 डिजिटल पहल, 3 को मिशन लाइफ स्कूल पोषण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिहार पुलिस की तरफ से की गई नई तैयारी, क्यूआर कोड के मदद से होगा एक्शन। पटना पुलिस अपनी तरफ से हर संभव प्रयास में जुटी हुई है ताकि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। इसी को देखते हुए राजधानी पटना के हर थाने में क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से फीडबैक के आधार पर कार्रवाई और सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके आधार पर शिकायतकर्ता थाने में हो रही गड़बड़ी और व्यवस्था से संबंधित जानकारी दे सकते हैं। सिटी एसपी चंद्र प्रकाश ने कहा कि इससे लोगों को काफी आसानी होगी। साथ ही साथ एसएसपी और मुख्यालय के आदेश पर क्यूआर कोड विकसित किया गया है। यात्रियों के लिए गुड न्यूज, छठ दशहरा दीपावली में नहीं होगी ट्रेन और टिकटों की समस्या। पर्वों के दौरान रेल यात्रियों को मिलेगी अच्छी सुविधा, अब उन्हें त्योहारों पर ट्रेन में नहीं झेलनी पड़ेगी समस्या। साथ ही साथ बर्थ के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। इसको लेकर रेलवे ने नए पहल की है। रेल से जुड़ी समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकता है।
यात्रियों के लिए रेलवे नया प्रयोग करने जा रहा है, त्योहार और भीड़ भाड़ के लिए सर्किट, जिसे सर्कुलर ट्रेन भी कह सकते हैं, ट्रेन चलाने की तैयारी होने लगी है। दरअसल सर्किट सर्कुलर ट्रेन सफर शुरू करने के बाद महत्वपूर्ण स्टेशनों का चक्कर लगाते हुए वापस आएगी और यह रिपीट होगा। इससे ज्यादा से ज्यादा शहर और यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी और आसानी से अपने घर पर्वों में जा सकेंगे। गोरखपुर से 5 स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी दी गई है। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की रिपोर्ट 10 अगस्त को होगी जारी। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर किया बड़ा खुलासा। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की कमेटी की रिपोर्ट 10 अगस्त तक जारी कर दी जाएगी। इसका जवाब विधान परिषद में नंद किशोर द्वारा पूछे गए सवाल पर दिया गया। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि बिहार सरकार महिला और दिव्यांग शिक्षकों को मानवता और सुविधा के आधार पर स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इतना ही नहीं, पदस्थापना में किसी भी तरह की आपत्ति पर पूर्ण विचार किया जाएगा। भागलपुर में जल्द शुरू होगी हवाई सेवा, जारी हुआ पत्र। वायुयान संगठन निदेशालय ने गोरडीह ने हवाई अड्डा निर्माण के लिए राशि मांगा गया है। बिहार से भागलपुर के लिए विमान सेवा शुरू होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के निदेशक निशित वर्मा ने इसे लेकर जीएम को पत्र भेजा है। बता दें 7 जून 2024 को समाहर्ता ने नए हवाई अड्डा के लिए प्रस्ताव भेजा है। इस रनवे की जमीन की लंबाई चौड़ाई 3500 और 300 के रेशियो में है। कुल जमीन का रकबा 660.57 एकड़ है। वहीं विमान निदेशालय ने मांगी अतिक्रमण मुक्ति रिपोर्ट। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को मिला लाखों का पैकेज। बिहार के कई सरकारी कॉलेज के छात्रों को मिल रहा है प्लेसमेंट। जानकारी के मुताबिक राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में इस वर्ष अब तक कुल 5,485 छात्रों को नियोजन हुआ है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 2,384 नियोजन हुआ है, जिसमें 1,876 छात्रों और 508 छात्राओं का नियोजन हुआ है। सरकार ने बताई प्लेसमेंट की बड़ी उपलब्धि। राज्य सरकार बिहार में शिक्षा को पूरी तरह से दुरुस्त बनाने में लगी है, साथ ही साथ अच्छे पैकेज पर रखा जा रहा है ध्यान। इसे बिहार के बच्चों को बल मिलेगा। गोपालगंज में दम घुटने से 2 मजदूरों की हुई मौत। गोपालगंज में शौचालय की टंकी का शटरिंग खोलने के दौरान 2 मजदूरों की गई जान। दरअसल मजदूरों की दम घुटने से गई जान घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के बड़का गांव कोल्ड स्टोरेज के पास की है। मृतक मजदूरों की पहचान 25 वर्षीय रंजन राम और 21 वर्षीय पवन महतो के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गोपालगंज में एक सप्ताह में शौचालय की टंकी साफ करने के क्रम में दम घुटने से 4 और लोगों की जान जा चुकी है। बिहटा औरंगाबाद के बीच बिछेगी रेल लाइन, भूमि अधिग्रहण के लिए खास जानकारी। बिहटा से औरंगाबाद 120 किलोमीटर के बीच जल्द शुरू होगी रेल बिछाने की प्रक्रिया। इसके लिए भूमि सर्वेक्षण की मंजूरी मिल गई है। इसकी प्रक्रिया भी शुरू होगी। इसकी जानकारी खुद सदन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। 120 किलोमीटर रेल लाइन परियोजना के लिए विस्तृत रिपोर्ट बनाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए 440.59 करोड़ राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। अब राज्य सरकार द्वारा जल्द भूमि अधिग्रहण वन विभाग के प्राधिकारियों को मंजूरी मिलेगी। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र काल खत्म, जानिए 7 महत्वपूर्ण विधेयक। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए काफी गहमा गहमी के साथ खत्म हुआ है। सत्र 22 से 26 जुलाई तक में कुल 5 बैठकें हुई हैं। जानते हैं 7 महत्वपूर्ण विधेयक। इनमें है बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक 2024, बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण विधेयक 2024, बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024, बिहार लिफ्ट एवं एक्सेलेटर विधेयक 2024 और बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 शामिल है।
पहले चरण में सारण के 20 स्कूलों का हुआ चयन। पीएम श्री योजना से मिला बिहार को बड़ा सौगात। बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जुड़ने के लिए इस योजना की हुई शुरुआत। इस योजना के जरिए बिहार के स्कूलों को नया रूप दिया जाएगा। बता दें आपको, पहले चरण में सारण से हुई अच्छी शुरुआत। प्रत्येक प्रखंड के एक एक स्कूल को चयनित किया गया है। दूसरे चरण के लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इससे बदलेगा स्कूलों का रूपरेखा। इसके तहत स्कूल मॉडर्न और विकसित होगा। तनिष्क शोरूम में 2 करोड़ की लूट कांड के बाद शुरू हुआ बड़ा एक्शन। बिहार पुलिस ने पूर्णिया के एक तनिष्क शोरूम में हुई 2 करोड़ की आभूषण लूट कांड के मामले को लेकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की अनुसंधान प्रक्रिया शुरू कर दी। एसटीएफ के एडीजी अमृत राज शनिवार को मामले को देखने के लिए पूर्णिया पहुंचे। वहीं लूट कांड के संदर्भ में कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है। एसटीएफ के विशेष टीम के अलावा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर पूर्णिया के नेतृत्व में 3 टीम और गठित की गई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से अपराधियों के बारे में सूचना देने पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा टेंशन। नीतीश कुमार कर रहे हैं बैठक। सीएम नीतीश कुमार पटना में एक बड़ी बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। जदयू के अन्य राज्य में विस्तार करने को लेकर यह बैठक बुलाई जा रही है। इस बैठक में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी और अन्य मौजूद हैं। इस बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है तैयारी। एनडीए के साथ सीट शेयरिंग की बात होगी। हालांकि बीजेपी को इससे बड़ा झटका लग सकता है। साथ ही झारखंड में कुछ सीटों को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है जहां पार्टी उम्मीदवार उतार सकती है। दरअसल अगले कुछ महीने में झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। एमएलसी सुनील कुमार सिंह की बिहार विधान परिषद की सदस्यता जाने पर निकली भड़ास। सत्र के दौरान सीएम नीतीश कुमार की मिमिक्री करने पर बिहार विधानसभा के सदस्य सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द कर दी गई है। जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुनील कुमार सिंह ने कहा कि मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। आगे सुनील कुमार सिंह ने कहा कि मेरी बर्खास्तगी की पटकथा अप्रैल में ही लिख दी गई थी। आरोप लगाते हुए कहा कि 2 व्यक्तियों को यह कार्य सौंपा गया था। दोनों व्यक्तियों को प्रलोभन दिया गया था कि एक लोकसभा के टिकट का और दूसरा उपसभापति का। सुनील कुमार सिंह ने आगे कहा कि मिमिक्री करने से किसी की सदस्यता नहीं जा सकती है, यह गलत है। आचार समिति ने मेरी बात नहीं सुनी। पल्ले के लिए की पिच रहती है बॉलिंग बैटिंग के लिए खास, जानिए कैसे। भारत टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत और श्रीलंका के बीच T20 मैच का पहला मुकाबला 27 जुलाई को पल्ले के लिए में खेला जाएगा। श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम अपना अभियान शुरू करेगी। इस सीजन में भारतीय क्रिकेट में हेड कोच गौतम गंभीर रहेंगे। पल्ले के लिए पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए मददगार रही है। नई गेंदबाजों के लिए यह पिच अच्छा रहेगा। गेंद पुरानी होने के बाद शॉट खेलना आसान हो जाता है। मैच रोमांचक होने के साथ ही पिच बल्लेबाजों के पक्ष में चली जाती है। पिच पर टॉस जीतने वाले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुतों लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, उमेश ऋषि, गोनर शर्मा, प्रिया राज, संजीव कुमार, बाबा मनीष पांडे, राजकुमार केशरी, राजकुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार सरकार द्वारा मॉनसून सत्र में लाए गए विधेयक से आप कितना संतुष्ट हैं? बिहार को किस हद तक फायदा पहुंचाएगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।